हेलो स्टूडेंट्स आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगाम मैं आपको पढ़ा रही हूँ टूलिप सीरीज़ की एट्थ क्लास की इंग्लिश बुक चैप्टर फिफ्थ है द किंग ऑफ गेम्स आज हम इसका रिमेनिंग चैप्टर पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू लीजेंट्स पोलो केम टू सेंट्रल लद्दाख फ्रॉम नेबरिंग बल्तिसान पुरानी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जो पोलो गेम है ये सेंट्रल सेंट्रल लद्दाख में नेबरिंग बल्तिस्तान नेबरिंग कंट्री बल्तिस्तान से आई वेयर फॉर कंट्रीज़ इट यूज़ टू तो बी द चीफ एम्यूजमेंट ये उनके एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया था हिस्टोरियंस डेट द इंट्रोडक्शन ऑफ पोलो इन लद्दाख टू किंग जमियांग हिस्टोरियंस का कहना है कि ये इसकी इंट्रोडक्शन लद्दाख में किंग जमियांग नमग्याल ने लाई दर रीजन्स इन दिक्सटीन सेंचुरी हु मैरिड ग्याल खातून जिसकी शादी जमियांग नमग्याल की शादी ग्याल ख़ातून से हुई ए प्रिंसेस फ्राम बल्तिस्तान जो प्रिंसेस थी बल्तिस्तान की Others say that it was brought by the colony of Baltics. Settled at Kushkot. Kushot got its own polo ground. Kushot ko apna polo ground hai. we are every year on 21st March polo is played <coughs> to celebrate Nauru's. Kushot may polo. ग्राउंड में ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी से ये गेम खेली जाती है और तब से नवरोज़ सेलिब्रेट किया जाता है उस जगह पे पोलो इन लद्दाख इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर द रिच ये जो गेम है पोलो ये रिच अमीर लोगों की ही नहीं है विरासत ऑलमोस्ट एवरी विलेज हैज़ इट्स पोलो ग्राउंड लद्दाख में हर एक गांव का अपना पोलो ग्राउंड है का हर एक गांव का अपना पोलो ग्राउंड है कार्ड शगरन एंड इट इज़ प्लेड विद वर्व इन मैनी प्लेस बिसाइड्स ले एस्पेशली द्रास एंड कुशोट ए बिग विलेज क्लोज़ टू लेह लेह के पास ये बहुत बड़ा गांव है वहाँ पे ये गेम खेली जाती है सेंज नमग्याल द किंग ऑफ लद्द्दाख लेट द फर्स्ट रॉयल पोलो ग्राउंड इन द मस गार्डन बिलो लेह लेह से नीचे मोर्स गार्डन एक जगह है वहाँ पे संजय नमग्याल ने इसकी फाउंडेशन रखी बनाया इस पोलो ग्राउंड को बनाया इन दैवेंटी सेंचुरी ये ग्राउंड कब बना सेवेंटी सेंचुरी में द प्रेजेंट पोलो ग्राउंड इन लेह इज़ इन द सेंटर ऑफ द सिटी जो आज का पोलो ग्राउंड है लेह में वो सेंटर है सिटी का लेह सिटी का सेंटर है टुडे इन लद्दाख पोलो इज़ मोर देन ए गेम इट इज़ ए पार्ट ऑफ़ द कल्चरल हेरिटेज, ये विरासत है कल्चरल विरासत है हेरिटेज है लद्दाख की कल्चर का द गेम ड्रॉज ह्यूज क्राउड्स ये गेम एन्जॉय करने के लिए एक बहुत बड़ा क्राउड जमा हो जाता है विद पीपल डोमिन दियर ट्रेडिशनल कलरफुल कॉस्ट्यूम्स अपने रंग बिरंगे ट्रेडिशनल कपड़े पहन कर वो आते हैं लद्दाख पोलो फास्ट एंड फ्यूरियस इज ए टेस्ट ऑफ ह्यूमन एंडोरेंस स्किल एंड हॉर्स स्ट्रेंथ टू प्ले कंटीन्यूसली अनलाइक मॉडर्न पोलो द मैच्स आर प्लेड इन द लेट आफ्टरनून ये मैच लेट आफ्टरनून के बाद खेला जाता है आफ्टरनून में खेला जाता है ये मैच और इसमें जो प्लेयर है उसकी बहुत स्ट्रेंथ स्किल ये सब चीज़ें देखी जाती हैं लद्दाख पोलो डिफ़र्स फ्रॉम द करंट इंटरनेशनल फॉर्मेट इन प्लेयर काउंट एज वेल एज़ ड्यूरेशन जो लदाख का पोलो है ये डिफर है जो करंट इंटरनेशनल फॉर्मेट इन प्लेयर्स ये उसे हटके है इसकी ड्यूरेशन में हेयर ईच टीम कंसिस्ट्स ऑफ सिक्स प्लेयर्स इसकी एक टीम में सिक्स प्लेयर्स होते हैं एंड द गेम लास्ट फॉर एन ओवर विद ए टेन मिनट्स ब्रेक दस मिनट की ब्रेक और एक घंटे की ये गेम होती है लद्दाख पोलो हैज टू राउंड्स ऑफ ट्वेंटी मिनट्स बीस बीस मिनट के दो राउंड होते हैं ईच विद फ्यू रेस्टोरेंट्स एंड रफ राइडिंग रिमेंसन ऑफ द मंगोल हॉर्समैन अनलाइक द सिस्टम ऑफ चुकर, शॉर्ट पीरियड ऑफ सिक्स टू एट मिनट्स into which the match is divided with a change of mount here the game is played until either of the teams scores nine goals no goal cut <coughs> a team score hai. the most unfamiliar feature is after a goal when both the ends change automatically the most unfamiliar feature is after a goal goal ke baad ek ye hai ki ऑटोमेटिकली दोनों साइड्स चेंज हो जाते हैं इधर की टीम उधर और उधर की टीम इधर आ जाती है द स्कोर गेट्स द प्रिवलेज टू पैच अप द बॉल ही गोज एट ए फुल गल्प विद द बॉल एंड स्टिक अनटिल मिड वे पॉइंट देन थ्रोज अप द बॉल एंड शूट्स टूवर्ड्स द गोल विद ए क्लीन स्ट्रेट एंड परफेक्टली कंट्रोल शॉट और वो शॉट लगा देता है क्लीन स्ट्रेट कंट्रोल शॉट नो पोलो मैच इन लद्दाख इज कम्प्लीट इस तरह से कम्प्लीट होता है पोलो मैच विदाउट इट्स म्यूजिकल एक्म्पेनमेंट ऑफ सुरा एंड धमन सुर्ना एंड धमन म्यूजिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये मैच चलता है एट द स्टार्ट एंड फिनिश अपले स्टार्ट में और एंड में जब गेम ख़त्म होती है एंड टू सेलिब्रेट एवरी गोल स्पेशल पोलो म्यूज़िक हर गोल पे एक स्पेशल म्यूज़िक चलता है इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द म्यूज़िक वेरीज अकॉर्डिंग टू द फॉर्चून ऑफ द गेम accelerating in tempo and increasing in volume at the scoring of a goal. Exhibition and tournament matches have been held regularly. Exhibitions bhi hoti hai, aur tournaments match regularly hai, since the nineteen seventies to revive and institutional institutional the game. Institutionalize the game. नो फॉर्म्स एन इंटरग्रल पार्ट ऑफ द एनवल लद्दाख फेस्टिवल तो ये एक अटूट अंग बन गया है लद्दाख के फेस्टिवल का तो ये था हमारा चैप्टर पोलो द किंग ऑफ गेम्स तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे थैंक यू